पिछले 24 घंटों के भीतर उत्तराखंड में बारिश ने कई इलाकों में जमकर कहर बरपाया है और बारिश ने जहां जहां अपना असर दिखाया उसमें केदार घाटी भी शामिल है। केदारनाथ में आज यानी सोमवार को तेज बारिश थी, लेकिन ये बारिश स्वतंत्रता दिवस पर तनिक भी खलल नहीं डाल पाई, लिहाजा तेज बारिश के बीच भी केदारनाथ धाम में धूमधाम से 15 अगस्त के दिन को मनाया गया। धाम के चारों ओर से भारत माता की जय, वंदे मातरम समेत आजादी के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी, साथ ही बाबा केदार के जयकारे भी निकल रहे थे और इस सामंजस्य ने पूरी केदार नगरी डबल भक्ति में लीन हो गई। वहीं दूसरी ओर आज सावन माह का अंतिम सोमवार भी था। केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी, जिस कारण बारिश में भी बाबा केदार के दर्शनों के लिए यात्री लाइनों में खड़े हुए थे। इतना ही नहीं, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हिमालय के करीब बसे बाबा केदार की नगरी में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले दो दिनों तक धाम में तिरंगा यात्रा निकाली गई और धाम पहुंचे भक्त, तीर्थ पुरोहित और अधिकारी कर्मचारी समेत देशभक्ति में डूबे नजर आए थे। केदारनाथ समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में रविवार से बारिश हो रही है, जिस कारण धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या पर भी इसका असर पड़ा है। हालांकि केदारनाथ की यात्रा कर चुके लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जो 10 लाख के करीब पहुंच चुका है। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट।